जय श्री राधे कृष्णा। मेरे साथ में मैं तपेश जैन, मेरे साथ में श्रीमती अनुमा त्रिपाठी जी हैं। जय किशोरी जी, हम जानते हैं कि पूरे देश भर में एक ऐसी प्रवचनकार व आध्यात्मिक धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनका लगातार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया आपने। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि सर्वविदित है और आपका जन्म ही भोले विश्वनाथ की नगरी काशी में हुआ, जहां पर इस तरीके की शिक्षा मिलती है। और चाहती हैं अनुपमा जी की बड़ी अच्छी बात है, बड़ी देर से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि नई पीढ़ी भी उस तरह से काम करे। अनुपमा जी, आपका स्वागत है। धर्म और अध्यात्म को लेकर क्या आप कुछ परिभाषा आपके दिमाग में आती है? एक संस्कार की बात कह रही थी आप। सर, मुझे ऐसा लगता है कि बिना अध्यात्म के जीवन में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी संभव है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जैसे व्यक्ति बोलता है ना कि जब भी हम बहुत परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तो हम अंत में कहाँ जाते हैं? भगवान के सामने जाते हैं और ऑटोमेटिक हमारा सर उनके कदमों में झुक जाता है। किस लिए? जो चीज हम अचानक, कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने पे हम उनके सामने जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को बहुत ही शुरू से और बचपन से अध्यात्म की तरफ केंद्रित हो जाना चाहिए। हमारा मन, हमारा विचार, हमारा संस्कार जो भी है, हमें लगता है कि जब हम अध्यात्म के तरफ अग्रसर होते हैं ना, तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अपने आप बहुत ही खूबसूरत होने लगता है। सकारात्मकता आ जाती है जीवन में, एक नई सोच आ जाती है, ऐसा लगता है। संस्कार के बारे में भी बता रहे थे आप, बच्चों को संस्कार जरूरी होना चाहिए। सर, हम अगर देखेंगे कि हमारे घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सारे माता पिता बहुत सारे फंक्शन करते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कभी भी हम बचपन से ही उनको अपने धर्म के प्रति या अपने संस्कारों के प्रति या हमारे जो भी पूर्वज हमको जो शिक्षा देते आए हैं उनके प्रति हम उनको अवगत कराएं। इन सब चीजों से हम बिल्कुल अछूते होते जा रहे हैं और मुझे लग रहा कहीं ना कहीं यही वो चीजें हैं जो हमारे बच्चों को नशे की तरफ, क्राइम की तरफ और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके तरफ वो बहुत तेजी से जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, हमको अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म से जोड़ के रखना चाहिए। मतलब उनको धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा क्या है और किस तरीके से जो संस्कार में बहुत सारी चीजें हैं, संध्या वंदन जैसे आप बता रहे थे कि गायत्री आरती सुबह से शाम का एक। सर, ये तो आप जैसे ले लीजिए ना, हम आजकल जया किशोरी जी का बहुत भजन चल रहा है तो ऐसा क्या होता है कि हम किसी के भजन को या गाने को सुन के बहुत मंत्रमुग्ध होके सुनते हैं और नाचने लगते हैं? ऐसा क्या है उसमें? उसमें तो कोई फिल्मी धुन नहीं होती, कोई फिल्मी गाने नहीं होते, लेकिन ऐसा क्या? क्योंकि उसमें जो भगवान का सुमिरण है, जो चीजें मुझे लगता है कि आप दिन भर तो ना सही, लेकिन कम से कम सुबह और शाम भगवान की आरती कीजिए, कुछ देर उनके सामने बैठिए और मुझे लगता है कि बस अपना जीवन जो भी है ना उनके भरोसे पे चलना शुरू कर दीजिए और मुझे लगता है कि फिर जो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास आपको दिखाई देगी, महसूस होगी, वो मुझे लगता है कि वो आपके पूरे जीवन को बदल देगी। जीवन में कहते हैं कि मैं पढ़ रहा था धर्म के बारे में, मेरी किताब भी है सनातन धर्म की, लिखा नहीं है मैंने, संकलन किया है। भगवान विष्णु का कहना है कि मनुष्य बड़ा बेचैन है, हालांकि सब उसकी प्रभु की लीला है और ये बेचैनी जो है सनातन धर्म, हालांकि बहुत सारी बातचीत होती है और बड़ा विवाद का भी अभी विषय बना हुआ है किसी के बयान से, लेकिन भगवान उन्हें माफ करे, ईसा मसीह को मानते हों या जिसको भी मानते हों, वो भगवान माफ करे उनको। उनको नहीं मालूम है कि सनातन धर्म और धर्म है क्या दरअसल। तो एक बड़ा सुकून आदमी को बेचैनी है, लगता है कि धर्म के माध्यम से ही आ पाएगी। सर, मुझे जो लगता है ना कि ये जो मारा मारी चल रही है सनातन धर्म को लेके या किसी भी धर्म को लेके, पहले तो ये सारी चीजें
इतना टिप्पणी करने से अच्छा है और लोगों को दोषारोपण करने से अच्छा है कि उस पर खुद अमल किया जाए। आजकल के समाज में आप देखेंगे लोग खुद पे अमल नहीं करते सर, सिर्फ दोषारोपण, लोगों ने क्या कह दिया। आजकल ये हमारे जो भारत में सर एक चीज आप देखेंगे, हर चीज की निंदा बहुत तेजी से की जाती है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी आप ले लीजिए सोशल मीडिया, हर चीज में लोग मैसेज की मतलब तादाद इतनी तेजी से बढ़ती है, चाहे वो धर्म को लेके हो। अभी जैसे कोई भी मुस्लिम हिंदू विवाद ले लीजिए, उस पर टिप्पणियां लोग कितनी तेजी से करते हैं। क्या आप कभी अपने धर्म को लेके इतने गंभीर होते हैं कि हमको करना क्या चाहिए? आप कभी भी उस चीज को लेके कभी भी मुझे लगता है कि कभी भी आप गंभीर होते ही नहीं अपने धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके, अपने संस्कारों को लेके। हाँ, लेकिन अगर बात टिप्पणी की आ जाए तो हमारे समाज में चीजें बहुत तेजी से होती है। मुझे लगता है कि इससे हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों पे, अपने कर्मों पे और अपने जो भी हम चीजें करते हैं उस पे हमको एक भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये दोषारोपण की चीजें जो है ना, वो जितनी जल्दी बंद हो, क्योंकि इससे समाज में बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। हमारे युवाओं पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर वो सारी चीजों को वो देखेंगे या देखते आ रहे हैं, उसको लेके हम अजात पात और धर्म को लेके इतनी सारी नफरत, इतना सारा द्वेष लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि ठीक है, कोई भी चीज होता है हम तुरंत मुस्लिम पे प्रहार करते हैं। आपने कभी नेगेटिविटी तो आप उनकी देख लेते हैं, कभी उनके पॉजिटिव को देखने की कोशिश आपने की है? वो अपने धर्म के प्रति कितने ज्यादा मुझे लगता है कि उसको क्या कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा वो अपने धर्म को इतना ज्यादा मानते हैं, समर्पित हैं, बहुत ज्यादा। तो आपसे सीखने का आप जरूरत कम से कम आप उनकी बुराइयां तो देखते हैं। आप ये तो देखिए कि मुस्लिम के कानों में जब अजान की गूंज पहुंचती है तो वो सब कुछ छोड़ के उस अल्लाह ताला को महसूस करने के लिए कुछ क्षण के लिए वो बैठता है, सब काम छोड़ के उनको सुनता है, उनको महसूस करता है। तो ये चीज हमारे अंदर क्यों नहीं आ पाती? हम उनकी पॉजिटिविटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? जो चीजें उनसे अच्छी है वो क्यों नहीं हम सीखने की कोशिश करते हैं? हम समाज में सिर्फ और सिर्फ बुरी जितनी भी गलत चीजें हैं उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि गलत चीजों को हटाइए, वो तो गलत तो हर चीज में है, चाहे वो हमारा धर्म हो, सनातन हो। हम बहुत सारी चीजों का अगर देने लगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं गलत और सही। मुझे लगता है कि धर्म के प्रति आप सिर्फ अपने जागरूक होइए, अपने समाज को जागरूक करिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संस्कारों से जोड़िए, अध्यात्म से जोड़िए। हमें लगता है पहल इसमें होनी चाहिए, टिप्पणियां इस पे होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि सकारात्मकता के साथ में पहले हम अपने को तो जान ले हैं और अपनी जो चीजें हैं उनको सहज ले और उस रास्ते पर चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुकून भी इसी में मिलेगा, अच्छाई भी इसी में मिलेगी। और अम्मा जी ने आपने समय दिया, अच्छाई के साथ में चलें। निश्चित रूप से जीवन की एक ही चीज है कि गुड थिंग्स ऑलवेज रिटर्न, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, बोलिए भगवान श्री राम की जय।